दर्शकों, अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हो ये एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यमुना नदी। हालांकि ये सूख गई है, बट क्योंकि यार मैं ना उसी टाइम में आया जब ये ड्राई हो चुका है पूरा, तो यमुना नदी का तो लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। और दिल्ली यहाँ से दूर है, मतलब दिल्ली के बाजू से गुजरती है ऐसा बोला जाता है। एक्चुअली हम जा रहे हैं एक गजब सा पैलेस घूमने, बोले तो मसूरी जा रहे हैं। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोगों को ब्लॉग को देखना एंड तक और एंजॉय करना। नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ अभी मैसूरी में। मैसूरी बोले तो ये वो मैसूरी नहीं है, मैं हूँ अभी उत्तर प्रदेश के मैसूरी में, और ये बोट पे मैं हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, सो जोर से बोलना पड़ रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दम भी लग रहा है। तो अभी हम सैर करेंगे इस नदी का, ये बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस होने वाला है। अभी हम पहले चलाएँगे इसको, भैया मैं चला सकता हूँ, चला सकता है। तो अभी हम चलाएंगे इसको और फिर चलेंगे हम उस पीछे वाले टापू पे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हम लोग। और पहले चलाएंगे इस बोट को और फिर चलाएंगे वहाँ जो रेड कलर का बोट लगा हुआ है उस बोट को। यू नो, बहुत दिनों पहले मैंने ये बोटिंग करी थी मंदार पर्वत पे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार खगड़िया जिला से हूँ मैं, बट मैं रहता था भागलपुर में, तो फिर मैं गया था मंदार, तो मैंने बोटिंग वहाँ पे करी थी। बट आज मौका मिला है मुझे यहाँ पे बोटिंग करने का, देख सकते हो कितना ज़्यादा बेस्ट सीन है ये। तो हम यहाँ करने वाले हैं बोटिंग, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं हम लोग। तो अभी सबसे पहले हम इसको चलाएंगे, वहाँ चलेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे और उस रेड वाले बोट को चलाएंगे। तो अभी इंजॉय करते हैं, ब्लॉग को देखना इन तक, और मैंने बहुत सारे फोटो भी क्लिक करे हैं, तो मैं अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके नॉर्मली चेक कर सकते हो। ये देखो कितना बड़ा नदी है ये। और अभी हम हैं फिलहाल टापू पे, ये अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुआ है, बस मेरा मन किया टापू पे आने का तो मैं आ गया, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फिर से उस साइड और फिर करेंगे, पहले यहाँ करते हैं फोटोशूट, ओके, पहले यहाँ फोटोशूट करेंगे फिर उस साइड जाएंगे, उस साइड जाने के बाद फिर इंजॉय करते हैं इस रिवर। बहुत सारे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो पीछे बहुत, मतलब कुछ लोग बोटिंग कर भी रहे हैं, मैं भी करूँगा बोटिंग, कई सारी बोट्स लगे हुए हैं, लाल लाल, हरे हरे, पीले पीले, तो फिर इंजॉय करते हैं इस मोमेंट को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। और यहाँ पर मैं कई सारे फोटो क्लिक करवाऊँगा, ओके, तो इसे मैं अपलोड करूँगा अपने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लेना फॉलो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, तो अभी चलते हैं, भैया को मैं बुलाता हूँ कि यहाँ से मुझे उस पार लेके जाए, फिर उस पार से मुझे इस पार लेके आए, इस पार नहीं, बीच नदी में घूमते हैं हम लोग। ये यू नो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नदी है, आप देख सकते हो, इसे पोखर बोलो या तालाब बोलो, जो बोल सकते हो आप। तो अभी हम करने वाले हैं इंजॉय, मैंने साथ में लाया था पानी, पहले पानी पीते हैं, वो देखो पानी मैंने वहाँ पर रखा है, तो अभी पानी पियेंगे फिर इंजॉय करेंगे हम लोग, ओके। तो बने रहना ब्लॉग में एंड तक, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। अच्छा दिख रहा हूँ मैं स्मार्ट, अब ये अगर ऐसे लेके चलो तो ये फिर इधर आएगा, ऐसे मारो तो ये आगे जाएगा, हाँ कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहा है, पीछे आगे ना मारोगे तो आगे, आप ही मारो नहीं मार रहा क्या। दर्शकों, मैं उस बोट को, मुझे अलाउ नहीं हुआ है, मतलब मैं नहीं चला सकता क्योंकि मैंने लाइफ जैकेट नहीं पहना था, लेकिन बट मैं आ गया था यार, फिर भी उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। अभी मैं हूँ इस वाले बोट पे, आप देख सकते हैं ये पैडल मारने वाले बोट पे हूँ मैं। मैंने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाया, तो यहाँ शायद मेरा एक्सरसाइज हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलाना होता है।
वो वाला मौका मिला नहीं मुझे, वो उनके आगे ना हंस का वो बनाया हुआ था तो वो अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने सोचा उसी पे करते हैं, लेकिन इस पे करना हो गया। वो कब तक आएगा भैया वो वाला? टाइम लगेगा उसमें। अच्छा, तो कोई नहीं, इसी पे घूमते हैं अभी। ये बहुत बड़ा है ना, ये देख सकते हो गाइस कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मारे जा रहे पैडल, मारे जा रहे हम लोग उधर जाने के लिए। अच्छा, ये गड्ढा कितना है, मतलब मेरे से बड़ा है हाइट में, मैं डूब जाऊंगा पूरा, है ना। ओ, मतलब किनारे से ही 10 फीट का अंदर तक है, मतलब समतल है क्या? अच्छा अच्छा जी। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, बोले तो ये एक पर्यटन स्थल है। अब देखो तो पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं भ्रमण करने के लिए। मैंने तो कर लिया है प्रॉपरली, और ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बस यहाँ पे बोटिंग अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, बट ये बन रहा था तो हम लोग आए तो विजिट कर लिया मैंने, और यहाँ पे कुछ वीडियो शूट हुए, फोटो शूट किया मैंने। और अभी चलते हैं, हम आ चुके हैं, बस थोड़े दूर और बाकी है, लगभग 10 से 15 मिनट मैंने किया होगा ये। और पैर तो यार बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी हम लोग वहां से आ रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, मतलब इतना चला लिया मैंने। हाँ चलो जी, कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं उस पे। दर्शकों, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, आप देख सकते हो, ये भी काफी ज्यादा बेस्ट है यार। ऐसा ही सोच रहा हूँ मैं अपने घर पे बनाने, और आई होप कि मैं कुछ दिन में बना भी लूंगा, क्योंकि यार इस जैसे घर में रहने में काफी ज्यादा मजा आता है। अभी हमारा यहाँ पे खाना वाना हो गया है, क्योंकि यहाँ से परचेज करने पड़ते हैं सारी चीज, तो मैं पहले घूमा फिर खाना खाया, और अब देखते हैं प्लान निकलना। यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पीछे हैप्पी बर्थडे का लगा हुआ है, तो देखता हूँ यार, मैं तो फोटो लवर हूँ तो देखता हूँ, यहाँ एक दो फोटो क्लिक करवाऊँगा, फिर निकलते हैं हम यहाँ से। भैया मच्छर कितना लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। मैंने सोचा ब्लॉग को 9 पे ही ख़त्म कर दूँ, बट ये 9 पे नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इस फार्म हाउस में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, और क्या है, कुछ नहीं, बाय, टेक केयर।